क्या गांधी साहब, ये छोटी मोटी स्टोरी डाल के आप क्या डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? छोटा मोटा बच्चा यूट्यूबर समझा हुआ है क्या? आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स एंड बैंकर्स। मेरे फादर ने इतने केस लड़े, इतने लोगों को इंसाफ दिलाया ना, आप सोच भी नहीं सकते। और आप ये सोचते हो कि आप एक्सटॉर्शन का नकली केस डालोगे, ये करोगे वो करोगे और मैं डर जाऊंगा? डू इवन नो व्हाट एक्सटॉर्शन इज? एथलीट के हक के लिए लड़ रहा हूं, हक के लिए। जो आपने पैसा लिया है ना, उन्हीं के अकाउंट में वापस जाएगा। आज तक बोला नहीं, आज तक चुप था, तो लोगों ने सोचा रही तो बोलता नहीं है। लेकिन जब ये तरुण गिल बात करता है ना, जब ये बोलता है, यू हैव नो आइडिया, हिला दूंगा। सच में बहुत ताकत होती है गांधी साहब, बहुत ताकत होती है। आप ये छोटे मोटे लड़कों को, एथलीट को, तो आप हेल्पलेस एथलीट को डरा के, धमका के चुप करा देते हो ओलंपिया का लॉलीपॉप देके। मुझे कैसे चुप कराओगे? आई हैव सो मच, इतनी सच्चाई में ताकत है और इतना कुछ है जो आप देखोगे अगले कुछ दिनों में आने वाला है। आई विल शो यू व्हाट द पावर। ओहो, मैंने देखा स्टोरी में कि भाई साहब मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स, बेगिंग फॉर अ प्रो कार्ड, सब कुछ सामने आएगा। लेके आओ ना एक्सटॉर्शन, ये वो, दुनिया भर की चीजें लेके आओ ना। बिकॉज रिमेम्बर वन थिंग, बट जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों को पत्थर नहीं मारते। सच्चा हूं, मुझे पता है मेरी क्या हिस्ट्री है। सबसे पहला यूट्यूबर था, सबसे पहला, जब आपको पता भी नहीं होता था यूट्यूब क्या होता है। और ये जो एक्सपो वाले हैं ना, इनसे पूछना बिफोर एक्सपो ये किसके शो में आए थे 2017 में, पूछना। सच्चे को कोई डर नहीं होता भाई, कोई डर नहीं है। सब मेरी हिस्ट्री सामने है, सबके सामने है। एथलीट के हक के लिए लड़ रहा हूं और उन्हें उनका हक दिला के रहूंगा। विच इज जजेस कांट बी कोचेस, फेयर जजिंग।